गुजरात टाइटंस, पांड्या दोस्तों, हार्दिक पांड्या की टीम है गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांड्या की टीम नहीं है, मतलब टीम तो किसी और की है, जो कप्तान होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो अभी फिटनेस टेस्ट देने गए हैं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो फिटनेस टेस्ट देने गए हैं। पता नहीं है कि टेस्ट में पास होते हैं या नहीं होते, क्योंकि टेस्ट में पास होंगे तभी IPL खेलने का मौका मिलेगा, नहीं पास होंगे तो आराम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है हार्दिक पांड्या पास होंगे। तो दोस्तों IPL का सीज़न है तो ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, सिर्फ IPL की जिक्र करेंगे, क्योंकि अब कमर कस लेते हैं ना, IPL स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जब IPL स्टार्ट होगा हमारी तैयारी प्रॉपर होगी, तभी तो जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और आप हमारी फैमिली है, मैं चाहता हूं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करूं, इतनी ज्यादा तैयारी कर लूं, जब IPL स्टार्ट होना तो एक बढ़िया सा प्यारा सा आपके लिए छोटा सा गिफ्ट होगा। गिफ्ट क्या होगा, IPL जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारी तैयारी ना अभी से होनी चाहिए, हमारी कमर ना अभी से कसी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे गुजरात टाइटंस की जो प्लेइंग 11 है ना वो कैसी रहने वाली है, कौन से प्लेयर चेंज होंगे, कौन से प्लेयर चेंज नहीं होंगे, पूरे सीजन इनकी प्लेइंग 11 कौन सी प्लेयर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। और दोस्तों क्या इस प्लेयर के साथ गुजरात टाइटन फाइनल तक जाएगी या प्ले ऑफ तक जाएगी, या फिर दोस्तों फिसड्डी साबित हो जाएगी, पहले बार हो जाएगी, वो लोग बहुत सोच रहे थे ना फाइनल तक जाएंगे, ये जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो में ना हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करें, ओके स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अभी फैमिली हिस्सा नहीं बने, तो भाई किस चीज का इंतजार करते हो यार, अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है। और चलो अब सब लोग ना जल्दी जल्दी करते हैं वीडियो को लाइक, 1-2 लाइक। जब आप लाइक करते हैं ना तो यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई ना टेलीग्राम पर आपके फायदे के लिए जान लगा देता। जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना वो बहुत ही फायदे में, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। IPL आ रहा है, IPL के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा ना, आप यही बोलोगे अरे मैंने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर हो गई, अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। लेकिन फेक से सावधान, क्योंकि मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तो सही सही फायदा तभी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी ना, वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, इधर उधर से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, तभी आप सही जगह पे आएंगे। तो याद रखें कहां से ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करना है। तो अहमदाबाद टाइटंस की अगर हम यहां पे ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो शुभमन गिल और मैथ्यू वेड, इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी हो सकती है। शुभमन गिल का तो पक्का, ये लगातार पूरे मतलब मैचों में गुजरात टाइटंस के लिए ओपन करते नजर आएंगे, इनका साथ देंगे शुरुआत के मैचों में मैथ्यू वेड। अगर मैथ्यू वेड की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो लगातार ये मतलब टाइटंस के लिए खेलते रहेंगे। अगर इनकी जो परफॉर्मेंस है ना थोड़ी सी 19-20 होती है तो इनकी जगह पर रहमान उल्लाह गुरबाज को मौका मिल सकता है शुभमन गिल के साथ ओपन करने का। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे गुरप्रीत सिंह मन को मौका मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे गुरप्रीत सिंह की बात करें तो इनके लिए मौका बहुत अच्छा है, इनको मौके मिलने वाले हैं, हो सके ये मौके का फायदा भी उठाएंगे और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। चौथे नंबर की बात करें अभिनव मनोहर और साई सुदर्शन, ये दोनों आपको खेलते नजर आएंगे। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यंग बल्लेबाज है, इनको मौका मिलने वाला है, तो देखने की बात होगी कि ये दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। शुरुआत में अभिनव मनोहर को मौका मिलेगा, अगर ये बढ़िया परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो लगातार खेलते रहेंगे चौथे नंबर पे। अगर इनकी परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है, फिर देखने वाली बात होगी वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मतलब दोनों युवा बल्लेबाजों के पास मौका है, अपने लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करें, अपनी टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करें और अपने कैरियर को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाए। पांचवें नंबर की बात करते हैं, यहां पर आपको किलर मिलर डेविड मिलर खेलते नजर आएंगे। डेविड मिलर की बात करें तो आप सबको पता है ये बल्लेबाज बहुत दिनों से अच्छा खासा मौका नहीं मिला, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैचों में बढ़िया रहती है। तो उम्मीद होगी अहमदाबाद टाइटंस को कि किलर मिलर वही फॉर्म में दिखे जैसे एक बार दिखे थे और सारी टीमों की ना धज्जियां उड़ा के रखी थी। तो पांचवें नंबर पर डेविड मिलर आपको खेलते नजर आएंगे। छठवें नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की बात करें तो इनके साथ ना चीजें अच्छी नहीं चल रही है। अगर हम यहाँ पे मौके की बात करें तो मौका इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अहमदाबाद के कप्तान है, लीडरशिप के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे तो इनकी टीम को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। सातवें नंबर की बात करें राहुल तेवतिया या फिर विजय शंकर, राहुल तेवतिया विजय शंकर में से किसी एक को मौका मिल सकता है। मुझे लगता है शुरुआत के मैचों में राहुल तेवतिया को मौका मिलेगा, अगर राहुल तेवतिया लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो ये खेलते रहेंगे, अगर इनकी परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो कहेंगे आप बाहर बैठो, विजय शंकर आप आ जाओ। आठवें नंबर की बात करें किंग खान राशिद खान, राशिद खान कहां खेलते नजर आएंगे, आठवें नंबर पर, पूरे IPL के सीजन ये आपको दिखेंगे। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताएं, आप सबको पता है गेंदबाजी तो कमाल की करते ही करते,
जरूरत पड़ने पे बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। 9वें नंबर पर मोहम्मद शमी इंडिया का सुपरस्टार खेलता नजर आएगा। मोहम्मद शमी रीढ़ की हड्डी होंगे इनकी तेज गेंदबाजी को, इनका साथ देंगे जो कि 10वें नंबर पर खेलेंगे लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन का भी आप सबको पता है ना, ये गेंदबाज रॉक स्टार है, बहुत ही तेज गेंदबाज है, आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह विकेट निकाल के लेके चला जाता है। और 11वें नंबर की बात करें तो यहां पर आपको प्रदीप सांगवान को मौका मिल सकता है शुरुआत के मैचों में। अगर प्रदीप सांगवान बढ़िया गेंदबाजी करते रहते हैं तो लगातार खेलते रहेंगे, अगर ये फ्लॉप होते तो इनकी जगह पर रवि श्रीनिवासन साई किशोर को मौका मिल सकता है। इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा, लेकिन शुरुआत के मैचों में प्रदीप सांगवान को मौका मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे गुजरात टाइटंस की टीम की बात करें, जो इनकी बल्लेबाजी है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं हल्की नजर आ रही। मुझे एक दो या तीन बल्लेबाज ऐसे हैं जो बढ़िया दिख रहे हैं, वो भी ताबड़तोड़ खेलते हैं, मतलब जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, जिस दिन चलेंगे वाह वाह, दूर तक नहीं चलेंगे तो स्वाहा हो जाएंगे। मतलब जो फिनिशर हैं वो बढ़िया दिख रहे हैं, जो बल्लेबाज हैं उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तेज खेलते हैं, जिस दिन चलेंगे बहुत अच्छा होगा, जिस दिन नहीं चलेंगे तो वो टाइम टाइम फिस हो जाएंगे। लेकिन गेंदबाजी की बात करें, जो इनकी गेंदबाजी है ना भाई साहब, वो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त नजर आ रही है, क्योंकि जो इनकी गेंदबाजी है वो ऐसी गेंदबाजी है अकेले दम पर अपनी गेंदबाजी से मैच को पलट सकते हैं, मैच को जिता सकते हैं। तो मुझे यही लग रहा है जो इनकी बल्लेबाजी वो थोड़ा सा मुझे हल्की लग रही है, लेकिन गेंदबाजी की बात करें जो इनकी गेंदबाजी है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त नज़र आ रही। तो भाई लोग आपको क्या लगता है, जो अहमदाबाद की टीम है वो आपको कैसी लग रही, क्या इस टीम के साथ अहमदाबाद फाइनल तक जाएगी या प्ले ऑफ तक जाएगी या फिर फिसड्डी साबित होगी, पहले ही बाहर हो जाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली एक टीम बची है उसके प्रीव्यू के साथ, उसके बाद आईपीएल की और बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आईपीएल की ना एक एक बॉल की अपडेट मिलेगी। तो अभी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।